आज देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को पुष्प अर्पित किए। इस बीच हेलीकॉप्टर के जरिए प्रतिमा पर फूलों की भी वर्षा की गई। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय परेड में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने यहाँ शपथ ली। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की। बता दें कि पीएम मोदी का आज गुजरात दौरे का आखिरी दिन है।